हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चंस। 1 to 4 हम क्वेश्चन कर चुके हैं, आज हम करेंगे 5 से स्टार्ट। तो देखते हैं फर्स्ट 5 क्वेश्चन क्या है। हेमी स्फेरिकल्स डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। तो हमारे पास एक वुडन ब्लॉक है, क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, उसमें से हम क्या कर रहे हैं, स्फेरिकल डिप्रेशन मतलब हेमी स्फीयर शेप का एक उसमें से कट कर रहे हैं पार्ट। ठीक है, तो कह रहे हैं कि सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमी स्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। तो जितनी क्यूब की एज है, साइड है, उसके इक्वल क्या है, डायमीटर है उस हेमी स्फीयर का। ठीक है, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो हमें सरफेस एरिया निकालना है सॉलिड का जो बचा हुआ है। तो देखते हैं कैसे निकाल लेंगे इसको। तो हमारे पास मान लो ये क्यूब है, ठीक है, आप आइसक्रीम देखी होगी, ठीक है, आइसक्रीम का जो निकालते हैं वो एक उसमें स्पून सी होती है, स्पून से आइसक्रीम को निकालते हैं बॉक्स में से, तो क्या है, हेमी स्फीयर की तरह निकल रहा है उसमें से। ठीक है, इस तरह से इस क्यूब में से हमने क्या करा है, ये थोड़ा सा इसमें से हेमी स्फीयर पार्ट हमें क्या कर लिया है, निकाल लिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका जो डायमीटर है, डायमीटर क्या है, इस साइड के इक्वल है, ये साइड है, ये साइड है क्यूब की सारी ए ए ए, तो डायमीटर भी हमने उसका इतना लिया है हेमी स्फीयर का, और उसमें से इस तरह से ये पार्ट हमने क्या कर दिया, इसको बाहर निकाल दिया। तो ये पूछ रहा है कि ये सॉलिड का कितना पार्ट बचा हुआ है। ठीक है, तो इसमें से इस सॉलिड में से ये सारा ये निकल चुका है, ठीक है, ये जो भरा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, तो हमें इसका सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, इसका सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालना पड़ेगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में से माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, देखो कैसे निकलेगा, ये निकलेगा हमारा मैक्सिमम डायमीटर। तो क्या दे रखा है, मैक्सिमम डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक एल। तो डायमीटर हेमिस्फीयर का और साइड क्यूब की एल इक्वल है, यानी कि रेडियस क्या हो जाएगी, डी बाई टू, यानी कि क्या हो जाएगी, एल बाई टू। ठीक है, तो आर क्या हो गई हमारी, एल बाई टू। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन, ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड कैसे निकलेगा, यहाँ पे लिखोगे आप सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इक्वल टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो कट सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आएगा, और माइनस क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक, हमें इसका कट सरफेस एरिया निकालना है, और इस वाली साइड में से ये बेस भी तो निकलेगा, क्योंकि ये भी तो साथ में से निकलेगा, तो ये भी हमें बाहर निकालना पड़ेगा, ये इतना पार्ट सिर्फ ये बच जाएगा सरफेस एरिया में ये। ठीक है, साइड में, ठीक है, तो अब आप इसमें फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या लगेगा, 6L² ये साइड मान लिया हमने। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक क्या होता है, 6L², यानी कि 6 साइड² प्लस क्या आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है इसका, 2πr². ठीक है, और बेस एरिया क्या आ जाएगा, माइनस का πr², आ गया 2πr² माइनस का πr² तो आ जाएगा 6L², ये आ जाएगा πr². ठीक है, ये आ गया 6L², इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर को लिख सकते हैं L/2, ये आ जाएगा L/2 का स्क्वायर, यानी कि 6L², ये आ जाएगा πL²/4। ठीक है, इसमें से आप L² भार लोगे तो क्या आ जाएगा, 6 πr/4 L² तो ये आ गया आपका सरफेस एरिया रिमेनिंग ऑफ द सॉलिड, द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज 6π/4 L². अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। तो ये मेडिसिन का कैप्सूल है, ये क्या है, किस फॉर्म में, सिलेंडर की फॉर्म में, और इसके दोनों एंड पे क्या लग रही है, इसके दोनों एंड पे लग रहे हैं हेमिस्फीयर, इधर भी हेमिस्फीयर लग रहा है और इधर भी हेमिस्फीयर लग रहा है। ठीक है, टोटल लेंथ दे रखी है 14 mm, और इसकी जो, तो हमारे पास ये हेमिस्फीयर है, ठीक है, तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो 14 mm है, और जो इसकी ये क्या है,
सिलेंडर की जो डायमीटर, सिलेंडर का डायमीटर हो या हेमिस्फेयर का डायमीटर, दोनों के डायमीटर कितने 5 मिलीमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी दोनों की, रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, तो हेमिस्फेयर रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा 5/2, तो रेडियस दोनों के लिए क्या हो गई है 5/2। अब हमें क्या निकालना है, इसका सरफेस एरिया निकालना है, तो दो तो हमारे पास हेमिस्फेयर है तो क्या निकलेगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड प्लस 2 मल्टीप्लाई कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। और इसकी हाइट कैसे निकलेगी, हाइट है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना 5/2, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना 5/2, तो उसमें 14 मिलीमीटर में से ये दोनों माइनस कर देंगे तो क्या जाएगा 9 मिलीमीटर, तो हाइट आ जाएगी इसकी क्या आ जाएगी 9 मिलीमीटर, किसकी हाइट है हाइट ऑफ सिलेंडर, और दोनों के लिए रेडियस यही है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या आ जाएगा, सो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या आ जाएगा, ये तो यह आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस 2 मल्टीप्लाई तो क्या जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, कर्व सरफेस एरिया के अंदर होता है 2πRh प्लस यह आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 2πR2, ठीक है, तो क्या आ गया 2πRh प्लस 4πR2, ठीक है, तो इसमें से हम क्या, तो इसमें अब आपको वैल्यू रख दो आप सारी, ये हो जाएगा 22/7, ये हो जाएगा 5/2, एच हो जाएगा 9 प्लस 4 मल्टीप्लाई 22/7, आर हो जाएगा 5/2, 5/2 इसको कैलकुलेट करके आपका आंसर आ जाएगा क्या 220 मिलीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एंड द सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज 220 मिलीमीटर स्क्वायर। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप, तो हमने एक टेंट बनाया, नीचे तो क्या है सिलेंडर फॉर्म में, और उसके ऊपर हमने कॉनिकल शेप में एक लगा दिया है टॉप, इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर, जो हाइट है सिलेंड्रिकल पार्ट की वो क्या है 2.1 मीटर है, और जो डायमीटर है सिलेंड्रिकल पार्ट का वो 4 मीटर है, एंड द स्लेंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर, और जो कोन वाला पार्ट है जो उसकी स्लेंट हाइट है वो कितनी है 2.8 मीटर है, तो फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज फॉर मेकिंग द टेंट, तो हमको क्या निकालना है इसका एरिया निकालना है कि हमने कैनवस कितना यूज़ किया, मतलब कि सरफेस एरिया निकालना है, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर, हमको कॉस्ट भी निकालनी है कि इसको बनाने में कितने पैसे लगेंगे, अगर 500 रुपये पर मीटर स्क्वायर पर लग रहे हैं तो इस टेंट को बनाने में कितना पैसा लगेगा, ठीक है, तो ये अब हमारे पास है हाइट, तो यहाँ पे क्या आएगी हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट क्या हो जाएगी h, h कितना दे रखा है 2.1 मीटर, ठीक है, फिर क्या आएगा यहाँ पे डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट ये हमें इन्होंने दे रखा है 4 मीटर, देयरफॉर क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट क्या हो जाएगा 2 मीटर, ये हो गया। अब हमारे पास है हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट, हाइट ऑफ कॉनिकल स्लेंट हाइट आएगा यहाँ पे, ठीक है, हाइट की ज़रूरत नहीं है सरफेस एरिया में, ठीक है, पाई आर एल आ जाता है, कर सरफेस एरिया निकालना है तो स्लेंट हाइट ये हमें गिवन है, तो क्या आ जाएगा स्लेंट हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट क्या आ जाएगी ये 2.8 मीटर, यानी कि एल, एल क्या दे दिया 2.8, और रेडियस ऑफ कॉनिकल पार्ट भी क्या हो जाएगी रेडियस ऑफ कॉनिकल पार्ट भी 2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो बस लिख दें, सो क्या लिखेंगे एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड, तो कितना एरिया यूज होगा एरिया ऑफ सॉरी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट, तो क्या आ जाएगा ये 2πRh प्लस πRL, ठीक है, πRL यहाँ पे वैल्यू रख दो, आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये आंसर नहीं आएगा भी, R क्या है R आपका है 2 मीटर मल्टीप्लाई h है 2.1 मीटर प्लस 22/7,
आर एस की है 2 मीटर और एल एस की 2.8 मीटर। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। एंड कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर की कितनी दे रखी है? 500 रुपीज़। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर की कितनी हो जाएगी? 44 × 500, तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 22,000 रुपीज़। तो इतनी कॉस्ट लगेगी हमें कैनवास बनाने में। ठीक है, अब इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है? 2.4 सेंटीमीटर, डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट। तो हमने इस तरह का एक सिलेंडर है, उसमें से कॉनिकल कैविटी को बाहर निकाल दिया। उसकी हाइट सेम है जितनी सिलेंडर की, और डायमीटर भी उतना ही है जितना सिलेंडर का डायमीटर है। तो हमें क्या निकालना है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया निकालना है जो बचा हुआ है सॉलिड का। तो हमारे पास ये फिगर है, ठीक है, ये सिलेंडर है और सिलेंडर में से हमने ये क्यूबिकल पार्ट, ये कॉनिकल पार्ट बाहर निकाल दिया है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया कितना बचा? एक तो कर्व सरफेस एरिया कौन बच रहा है, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है और साथ में ये बेस भी है, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर बच रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास है। तो इसको कैसे निकाल लेंगे हम? हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट एंड हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है? बिल्कुल सेम है, यानी कि ये रेडियस और एच, ये क्या है? दोनों के लिए बिल्कुल सेम है। ठीक है, कितनी है? 2.4 सेंटीमीटर। तो आप क्या लिखोगे? आप हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट इक्वल कितनी आ जाएगी? एच। ये आप अपने आप लिख लेना, ठीक है, बोल दिया मैंने, कितनी हो जाएगी? 2.4 सेंटीमीटर। एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट हो या फिर डायमीटर ऑफ कॉनिकल पार्ट, दोनों के लिए सेम है, वो कितना है? डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी दोनों के लिए? 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है? सिलेंट हाइट। पहले तो सिलेंट हाइट निकाल लें, क्योंकि इसका हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है। कर्व सरफेस एरिया के लिए क्या चाहिए हमें? पाई आर एल। तो हमारे पास ये तो है 2.4 और ये भी है 0.7। तो हम यहाँ पे सिलेंट हाइट निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो सिलेंट हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट क्या आ जाएगी? ये सिलेंट हाइट यानी कि एल स्क्वायर क्या आएगा? एल स्क्वायर, डायरेक्ट इसको रख लो, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ से आर स्क्वायर क्या आ जाएगा? 0.7 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 2.4 का स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे आ जाएगा 6.25, और 6.25 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 2.5 का। तो एल हमारे पास आ गया। अब हमें क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड क्या आ जाएगा? एक तो आएगा क्या? एक आएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 πr h प्लस कर्व सरफेस एरिया कौन क्या होता है? पाई आर एल, और प्लस एरिया ऑफ बेस क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप वैल्यू रखो कि सब हमारे पास है, एल भी हमारे पास है, आर भी है, एच भी है। आप यहाँ पे वैल्यू रख दोगे तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा क्या? 17.60। और इसको हम अप्रोक्स लिखेंगे, क्योंकि 50 से ज़्यादा है तो अप्रोक्स करके क्या लिख देंगे इसको? 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अप्रोक्सीमेट मेथड लगा के। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। हमें ये सिलेंडर दे रखा है और इसमें हेमिस्फीयर निकाल रखे हैं सिलेंडर सॉलिड में से। ठीक है, तो इसका एरिया निकालना है हमें। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल कैसे निकलेगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर दोनों इक्वल हेमिस्फीयर है, आइडेंटिकल है। तो क्या लिखेंगे? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 × कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो यही कह रहा है, वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कोपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। हमारे पास सॉलिड सिलेंडर था और हमने क्या कर दिया, इस वुडन आर्टिकल में से, इसमें से, इस शेप का, इसमें से मटेरियल बाहर निकाल दिया, मतलब ये हेमिस्फीयर बना दिया दोनों तरफ। ठीक है, इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर, बेस दे रखा है
रेडियस दे रखी है कितनी, 3.5 सेंटीमीटर, दोनों की रेडियस सेम हो जाएगी। हाइट पर सिलेंडर के लिए चाहिए हमें, तो टोटल सरफेस एरिया पार्टिकल निकाल देंगे। तो आपको गिवन में क्या क्या निकालना है, गिवन में आपको लिखना है रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट इक्वल रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, आर कितना है ये आपको लिखना है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर हाइट ऑफ सिलेंडर एच दे रखा है, हाइट ऑफ सिलेंडर एच कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। बस टोटल सरफेस एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या आ जाएगा, आर्टिकल, आर्टिकल क्या आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट या सिलेंडर प्लस 2 मल्टीप्लाई कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, क्योंकि दो हेमिस्फेयर है हमारे पास, तो 1 2 कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा 2πRh, यह आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2πr2। एच भी हमारे पास है, आर भी हमारे पास है, रख दो वैल्यू और आ जाएगा आपका आंसर। तो आप इसमें सारी वैल्यू रख दो, क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 22/7, रेडियस है 3.5, हाइट है 10 सेंटीमीटर, प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 22/7 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, इकट फिट के आपका आंसर कितना आ जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसमें क्या जाएगा, है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल इज 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सो नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 12.2। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।